और शिक्षा, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट के निर्धारित समय के भीतर शिक्षा जो को सीबीआई के हाथों में नहीं दिया गया है, शाम 4:15 के भीतर, यानी अब लगभग 50-55 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 4:15 के भीतर शाहजहां को सौंपना था। कोर्ट से दिया हुआ समय बीत जाने के बाद भी ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की है, जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। फिलहाल सीबीआई की टीम पुलिस मुख्यालय में मौजूद है। दरअसल शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को दी जा रही थी, कल इसलिए देने से मना किया गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर कोलकाता हाई कोर्ट गई ईडी, उन्होंने फिर सीबीआई कस्टडी की मांग की, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शेख शाहजहां की कस्टडी अभी तक भी नहीं दी है कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को। तो ये बड़ा टकराव केंद्र और राज्य सरकार, यानी ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच देखने को मिल रहा है। इस पर जुड़ी तमाम अपडेट हमको देते रहेंगे, लेकिन इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी हैं, मेरे साथ रितु चौधरी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ रिजु दत्ता साहब है, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, धीरेन्द्र कुमार साहब रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रिजु दत्ता साहब आपके साथ, माँ माटी मानुष इसी का नारा देकर आए थे आप, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में ममता दीदी में माँ परेशान हो रही है, और परेशान कौन कर रहा है, शेख शाहजहां कर रहा है। तो शेख शाहजहां को तो ममता बनर्जी ने गिरफ्तार कर लिया, तो अभी सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे आप, दे दीजिए ना, कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दे दीजिए, क्यों रोक रखा है 4:15 बजे से। आपने तो आपका इंट्रोडक्शन में बोला, पहले तो मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रतिनिधि, और दूसरी बात अभी तो आपने कहा पार्टी सरकार आप ही की पार्टी की है, तो आप सरकार के प्रतिनिधि भी हुए, सरकार आप ही की पार्टी है भाई, आप सरकार के बिहाफ पे अपनी बात रख रहे हैं टीएमसी की तरफ से रिजु दत्ता जी। अरे महाराज सुन तो लीजिए, आपने ही खुद कहा कि अभी सुनवाई शुरू होने वाली है हाईकोर्ट में, अगर हाईकोर्ट में अभी जो सुनवाई शुरू होगी, सर सुबह की सुनवाई में तो आदेश हो चुका है रिजु दत्ता जी, सुबह की सुनवाई में आदेश हो चुका है, आपने दो बार आदेश की अवहेलना की, एक बार कल शाम को की है, एक बार अभी की है, तो एक बार और रुक जाइए, मतलब एक बार और अवहेलना कर ले हम, एक बार और रुक जाइए, कोर्ट में है ना केस, कोलकाता हाईकोर्ट को कुछ नहीं मानते, उसके आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं आप। अरे कोलकाता हाईकोर्ट को हम नहीं मानते, ऐसी बात कैसे करते हैं, हमें बिल्कुल मानते हैं, पर यह भी हमने देखा है कि कोलकाता हाईकोर्ट का एक जज अपने रिटायरमेंट से पहले खुद कहता है प्रेस के सामने कि मेरे साथ बीजेपी का बात होता था और मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। तो बहुत कुछ हमने देखा है कोलकाता हाईकोर्ट में, उसको साइड में रखते हैं। देखिए आज का टॉपिक है आपका माँ माटी मानुष और क्या कर रही, प्रधानमंत्री जी आए 2 साल बाद बंगाल में, बंगाल की महिलाओं का बात सुन के उनका दिल रो रहा था आज, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2 साल क्यों नहीं आए, और मैं वॉटर बोटर में नहीं जाऊंगा दीपक जी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो क्यों नहीं मणिपुर गए, वो क्यों यूपी में जो जब जाते दिन में 8 तो रेप होता है वो क्यों नहीं जाते वहां पर, मैं ये सब बातें नहीं उठाऊंगा, मैं आपको आंकड़े गिनवाता हूं। आज सुबह जो आप टेलीकास्ट नहीं करते आपके न्यूज में नहीं होता, दुर्भाग्य की बात है, ममता बनर्जी ने घोषणा किया है कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों का हर महीने 750 रुपए तनख्वाह बढ़ा दिया गया है, और आईसीडीएस के हेल्पर की महिला हमारी माँ बहनों का 500 रुपए तनख्वाह बढ़ा दिया गया। आज बंगाल में, मैं किसी और राज्य नहीं जाऊंगा, आज बंगाल में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का दिल रो रहा था 12/7 में, उससे 5 किलोमीटर दूर सिख समुदाय के महिलाएं रस्ते में गुहार लगा रही थी कि प्रधानमंत्री हमारे पास भी आए, क्योंकि आपके बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हमारी कौम को, हमारे सिख कम्युनिटी को गाली दिया है, हमारी सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी कहा है।